ये है एंट्री गेट, मेन गेट है कॉलेज का। और ख़ास बात देहरादून की बस यही है, वेदर। और इस कॉलेज की कई ख़ास बातें अंदर घुस के बताऊंगा। बंटी भाई को छाता रखना था, अम्ब्रेला, तो गार्ड वाले भैया ने कहा कि यहाँ पे बड़ा रिस्क है। तो ये नहीं जी, तो ये है DIT के एंट्रेंस। यहाँ से वो सामने बिल्डिंग है, वो है गर्ल्स हॉस्टल। अभी बिल्कुल बारिश पड़ रही थी तभी मैं थोड़ी लेट शूट करने आया। अभी रुका हूँ, मैं नहीं रुका हूँ, अभी बारिश रुकी है तो मैं जस्ट अभी आया हूँ। तो ये हमारा बस स्टैंड है, और बस स्टैंड तो नहीं, पहली पार्किंग है। पहले नीचे तक जाते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में नीचे तक पार्किंग होती थी, बट अब यहाँ नहीं। तो यही वो इवेंट है यहाँ पे, यूथोपिया, सारे फंक्शन यहीं होते हैं। ये तो ये बगल में IMS कॉलेज भी है, यहाँ की IMS कॉलेज है। और बगल में ये है, यहाँ पर पार्किंग होती है, इसे पंडाल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे इवेंट होते हैं। तो यूथोपिया पे टाइम पे इसे पंडाल का गेट एंट्रेंस बोला जाता है। ऊँचाई है थोड़ी सी, वो थोड़ा ऊंचाई पे, ये नीचे उतरने में आसानी हो जाती है पर चढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो यार जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे बच्चे कमज़ोर से लगते हैं, लेकिन जब फाइनल ईयर में आओगे ना तो बच्चे ऐसे कुछ बड़े बड़े से हो जाते हैं। मेरा बैचमेट है कुछ राक्षस। तो ये मेन एंट्रेंस है हॉस्टल का यार। तो ये सरोजनी है, ये है IMS की लड़कियों के लिए, और ये रहा कस्तूरबा, मतलब DIT के लिए, बड़ी पास चाहता हूँ। तो यार ये ऐसा दिखता है, ये मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे भी। मैं तो पहली बार ही आया हूँ। ये जस्ट सामने है, ये जिम है पूरा, बहुत अच्छा सा गर्ल्स हॉस्टल का जिम है। और ये मतलब ये जो राइट साइड में मेरे, ये मैस है यार DIT का। ये पीछे का बैक साइड है हॉस्टल का यार, यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा, बारिश में भी और हर तरफ में व्यू बहुत अच्छा है। ये देखो यार मस्त व्यू। तो ये है BTEC वालों की मेन बिल्डिंग, मतलब CS वालों की, वेदांता। तो यहाँ पे हमारी सारी CS की ब्रांच की सारी क्लासेस यहीं लगती है। और यहाँ पे ना एक ऑडी है जहाँ पे सारे कॉलेज के फंक्शन वहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी है। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मैं पहले मौसम ही दिखाया जा रहा हूँ, शूट बाद में कर रहा हूँ। तो DIT में जो भी एडमिशन लेगा, एक तो यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और दूसरा यहाँ का वेदर, 4 साल यहाँ पे बहुत ही अच्छे जाएंगे। पूरा CC पहाड़ है पर बादलों से ढके पड़े हैं पूरा, वो आपको दिख नहीं पाएगा, मैं जूम करता हूँ। ये सब ना माउंटेन है पर दिख नहीं पा रहा है, और यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं, ये भी शो देखने आए हैं लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। तो यार ये है कॉलेज का CCD, मेड इन DIT। तो यहाँ अपने वीकेंड मतलब खाली टाइम में मैं अधिकतर यहीं आता हूँ। तो अब जाके यहाँ कुछ अच्छा सा खाया जाए, फिर आपको और बताता हूँ। मेरा वेदांता का हॉल, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन चल रही है, यहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं, इसलिए इतना सन्नाटा वाला माहौल है यार। वो वेदांता था, अब मैं नीचे जाता हूँ और बाकी आपको कैंपस विजिट कराता हूँ। तो ये जो है लेफ़्ट साइड में, ये फार्मेसी डिपार्टमेंट है, और मतलब यहाँ पे बी फार्मा की भी क्लासेस यहीं लगती है जस्ट बगल में। ये आर्किटेक्चर है, तो ये वाली बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आती थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने खुद बनाई है। ये है फार्मेसी ब्लॉक, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, जितने भी फार्मेसी लाइक बी फार्मा करने कोर्स हैं, ये है उनकी बिल्डिंग। DIT का फार्मेसी भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो फार्मेसी डिपार्टमेंट में हैं। और ये है अपना मतलब यहाँ पे एक तरह से मेडिकल कह लो, पर ये मैक्स के साथ है, हमारी एक ID बनती है, उसमें हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फार्मेसी है एक तरह से, तो यहाँ पे हेल्थ केयर भी होता है हमेशा 24/7, यहाँ पे डॉक्टर रहता है। दूसरा एग्जिट है वेदांता का, जब आप अभी रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली मेरी फिंगर के सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, यही पार्किंग स्लॉट है। और यहाँ से एक रास्ता जाता है जो लाइब्रेरी जाता है, वो आपको मैं आते हुए दिखाऊंगा। वह पहाड़ विजिबल हो गए, बंटी देख पहाड़ दिखने लगे,
तो ये सारे माउंटेन देख के लगते हैं खूबसूरत ज़्यादा लगता है कॉलेज। यहाँ बहुत अच्छी स्नैप आती है क्योंकि मैं तो 3 साल लगातार यहीं स्नैप भेजता रहा हूँ लॉन की। और ये पार्किंग है हमारी, यहाँ पे हमारा होली फेस्ट और दिवाली डांडिया वांडिया फंक्शन सारे यहीं पे होते हैं। डीजे वीजे पूरा सेटअप हो गया, अलग ही लगता है। और ये मेन हमारा लॉन है, इंडियन फ्लैग रहता है, यहाँ इंडियन फ्लैग रहता है बट अभी हटा दिया गया, बारिश में हटा देते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्लॉक है हमारा, थोड़ी सी आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो यार कॉलेज ना बिल्कुल ही, मतलब ख़ास बात यहाँ पे जब यूथोपिया होता है ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत मज़ा आता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डीसी हेड था, तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट है फंक्शन में। और कितने लोग व्लॉग में, मतलब मैक्सिमम मैंने जब प्रीवियसली बताया था कि मैं DIT का हूं, तो गर्ल्स के डाउट थे कि एंट्री क्या है। तो यार गर्ल्स को ना 7 बजे के बाहर आउटिंग नहीं है, उन्हें 7 बजे के बाहर इन टाइम है, उसके बाद वो हॉस्टल में तो रह सकती हैं जो मैंने बैरियर बताया। बाकी बॉयज़ का तो 7 बजे ही है ना बॉयज़ का बंटी? बॉयज़ का ऐसा 10 बजे तक है, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं, नहीं कैंपस में घूम सकते हैं पर कॉलेज के बाहर 7 बजे के बाहर तो कोई नहीं है। हाँ कॉलेज के बाहर 10 तो 7 बजे के पहले अंदर होना चाहिए। यार ये मिडिल पोर्शन है, यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। एक जा रहा है यहाँ से कैफेटेरिया, मतलब हमारा फ्री टाइम में हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पे प्लेसमेंट भी वहीं होती है, ग्राउंड फ्लोर अब दिखाऊंगा। दूसरा जाता है सिविल बिल्डिंग का, मैं ये भी दिखाऊंगा। और फ्रिस्को भी एक छोटा सा कैफ़े है, आपको दिखाऊंगा। तो DIT यार बड़ा होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी बहुत है, हम यहाँ ईजिली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम सब फ़ोटो खिंचवाते हैं आके। ये जा रहे हैं हमारे गुप्ता जी, इनसे मिलवाएंगे हम अंदर जाके आपको। इनकी शॉप है एक चीज़, यहाँ बंदरों से बड़ा सावधान रहना, बहुत सारे बंदर हैं। ये रही हमारी, इसका नाम है विवेकानंदा। तो ये बेसिकली हमारा कैफेटेरिया है जिसके 2-3 फ्लोर पे टीचर्स का ऑफिस है और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे ये प्लेसमेंट करियर सेल है, यहीं पर प्लेसमेंट होता है, मेरा भी यहीं हुआ है। ये रहा DIT से, और ये है यहाँ पे सारे हेड टीचर बैठते हैं, DC की मीटिंग भी यहीं होती है, कभी DC में ना पढ़ना, बल्कि लिफ्ट। अब यहाँ पे हम जाएंगे, 3 फ्लोर है हमारे लिए, तो 4th, 5th और रूफ, मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ। 4th जाते हैं, ये रहा हमारा 4th फ्लोर। ये भी एक फूड, यहाँ पे सब खाना वाना खाते हैं, कई सारी मल्टी ब्रांचेस यहाँ पे भी खुल गई हैं, जैसे नेस्कैफे का है। तो ये सारी दुकानें काफ़ी सुंदर है, यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि व्यू बहुत प्यारा दिखता है। मेन चीज़ है, मैंने एडमिशन लिया था तो ये व्यू देख के ही लिया था, फिर बाद में पता चला प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। 2 शॉप बंद है, 2 खुली है, इतना बड़ा है। अभी तो यहाँ पे सीट नहीं मिलती बैठने की, अभी तो खाली पड़ा हुआ है, कुछ ही लोग हैं पर ये सब भरा रहता है। तो ये 4th फ्लोर है, ये रहा अपना 5th फ्लोर। तो 5th फ्लोर यार सबसे ज़्यादा रश मेरे को 5th फ्लोर पे ही दिखता था क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइजी आलू प्याज, फैमिली आ रखी है, जब फैमिली आती है तो ना बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये है यार रूफटॉप वाला कैफ़े, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को शाम को और ज़्यादा क्योंकि पूरा आसमान ऑरेंज सा हो जाता है। सामने वो मसूरी है, अभी क्लाउडी हो रहा है क्योंकि बारिश हटी है और सूरज भगवान आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ म्यूज़िक बजता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की वाइब सच्ची में किसी 5-स्टार कैफ़े जैसी है, 5-स्टार कैफ़े से आते सामने है आता है। ये रहा अपना हॉस्टल जहाँ हमने 2 साल इसलिए यार क्योंकि मैं 2 साल हॉस्टल रहा था, बहुत अच्छा था, फिर सामने फ्लैट ले लिया था। अंदर से दिखाऊंगा हॉस्टल जाके, बंटी भाई हॉस्टल खूब रहे हैं, मेरी दोस्ती बंटी भाई से हॉस्टल में हुई थी 1st ईयर में। तो यार मैं एक और एडवाइस दूंगा, जो मेरे 1st ईयर के दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ है, इससे बड़ी बात मेरे को कुछ नहीं लगती क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर फ्रेंडशिप टूट जाती हैं, मेरे दोस्त अब तक मेरे साथ ही हैं। ये व्यू सामने देख रहे हो ना, वो सब PG हैं,
गर्ल्स पीजी भी बगल में ही है अगर गर्ल्स को बाहर रहना है, और बॉयज़ भी हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ, मेक श्योर आपको थोड़ा पास, ये सब दिख रहे हैं पीजी, सब आपको पास में दिखेंगे, सब रहने में ईजी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अब यार यहाँ पे कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। बिग बाइट का फूड बहुत अच्छा है, मैं एक तो सारों का खा रखा है पर बिग बाइट का मुझे पिज़्ज़ा वीज़ा सब अच्छा लगता है। कोई स्पॉन्सर नहीं है बट मुझे पसंद है आना के बैठना। देखा एक रीज़न और था, मुझे अपनी बुक्स करनी थी रिटर्न लाइब्रेरी में, तो जब मैं रूफटॉप आया तो सोचा ऑर्डर कर दूँ, अब हो गया रश ज़्यादा। मेरे साथ मेरे फैकल्टी भी बैठे हैं, हर जगह CCTV कैमरे, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है कॉलेज में हर जगह, मतलब यहाँ पे कॉलेज की आँखें जो आपको हमेशा देख रही है। या तो कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ये सारे नंबर ऑफ कंपनीज है जो कैंपस विजिट करती है, यहीं पे हमारा इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू। एकदम तूफान सा आ गया, देखो अब है वेदर बहुत ही अच्छा, हल्की सी हल्की बारिश पड़ रही है और ऐसे वेदर हो रहा है। यार आप DIT जब भी आओ ना तो अम्ब्रेला जरूर लेके आना, कुछ नहीं पता अभी धूप निकल रही थी, अब एकदम से इतनी बारिश हो गई है। होप सो मेरी वॉइस क्लियर हो। तो यार अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, तो नियरली मेरे साथ के 94% तो प्लेस्ड हैं, बाकी 4-5% मतलब जिनका हायर स्टडीज़ का मन था वो MTech करने चले गए और अदर चले गए, और बाकियों को ऑफ़र नहीं चाहिए था। तो DIT का प्लेसमेंट एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत सारी MNC आई थी, ऑप्टम बहुत अच्छी थी, हाइएस्ट पैकेज इन लोग का गया लाइक 58, जिसका बेस भी काफ़ी अच्छा था, पहलो एल्टो है कंपनी का नाम, टेकियों, और बहुत अच्छी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। तो प्लेसमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है। और मैं बात करूँ पढ़ाई की, तो यार पढ़ाई मेरे को बहुत अच्छी लगी। खास बात यार यहाँ पे जैसे कि ना एक चीज़, जैसे जब मैं दूसरे कॉलेज के बारे में देख रहा था, जैसे UPS हो गया, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है। DIT का एजुकेशन ये अच्छा है, कई जैसे बच्चे की अगर बैक रह गई तो ऑक्सिलरी होता है, उसके बाद बैक आता है, तो एक तरह से ईजी रहता है ये मेरे जैसे बच्चों के लिए जो वीक हैं। बाकी टॉपर्स के लिए ये है कि ट्यूट की सीट भी आती है यहाँ पे, जैसे कि एक मान लो आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट है तो उसके बाद एक ट्यूट पीरियड भी होता है जिसमें आप अपने डाउट भी रेज कर सकते हो और भी पढ़ सकते हो, तो वो नियरली 35 या 30 मिनट्स का होता है, एक तरह से जिसे हम ट्यूशन कहते थे, तो वैसा ही एक कॉलेज ही प्रोवाइड करता है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। यार ये है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि मुझे जनरेटर चल रहा है, तो यहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं बैक के, ये मेरी भी यहीं क्लासरूम है कई बारी। तो ये शायद DIT की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, बहुत पुरानी है यहाँ पे, मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल लैब भी यहीं होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, और ये चाणक्य का बैक साइड है। तो मैकेनिकल बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है, पता ही नहीं चला ओले से पड़ गए। और ये रहा बॉयज़ कॉलेज, बॉयज़ हॉस्टल, सॉरी बारिश हो रही है ज़्यादा पर थोड़ा सा शूट करता हूँ अच्छा सा। ये वर्कशॉप बिल्डिंग है, वर्कशॉप बिल्डिंग जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे ना तब आपका यहाँ पे एक साल निकलता है, यहाँ पे सारी क्लासेस होती हैं और वर्कशॉप बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सारी मैकेनिकल सारी वर्कशॉप यहाँ होती हैं। अगर आप थोड़ा सा विंडो से देख पा रहे हो तो अंदर का वो ट्रिपल दिखाता हूँ। बाकी यार ये एग्ज़ाम देख देख के ना मेरे को अपने दिन याद आ रहे हैं, मेरी तो बैक कभी लगी नहीं देखो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैं बहुत पढ़ने की कोशिश करता था, पढ़ ही लेता था। मेरा बॉयज़ हॉस्टल, यार व्यू देख रहे हो, मुझे तो नज़ा आ रहा है, अभी मैं भीग रहा हूँ लिटरली, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की सी बारिश पड़ती है, हॉस्टल अंदर से दिखाया जाएगा। मौसम है तो यार बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने अम्ब्रेला मंगवा लिया। ये है अपना हॉस्टल, और ये जो सामने देखा अन्नपूर्णा, ये है मैस, ये है फर्स्ट ईयर वालों का हॉस्टल सरोजनी, सारा भाई, सॉरी सारा भाई, वो गर्ल्स हॉस्टल का याद रह गया मेरे को, गर्ल्स हॉस्टल में बात रखोगे तो गर्ल्स हॉस्टल ही याद आ रहा भाई। हाँ तो गर्ल्स हॉस्टल से भी थोड़ी जान पहचान है अपनी, तो मैं जल्दी से आपको अंदर का दिखा देता हूँ, बड्डी दौड़ के जा चल। तो ये है जी हॉस्टल, अभी मैक्सिमम बच्चे बैक वाले रुके हैं, बाकी लास्ट एग्जाम, ये रहा मेरा फर्स्ट ईयर का रूम है। ये है चीफ वार्डन का ऑफिस, और ये वार्डन का ऑफिस, यहीं अटेंडेंस लगती है बॉयज़ की रोज़।
तो यार ये बैक साइड है, यहाँ पे सारे मतलब इवेंट होते हैं, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल में होता है ना क्रिकेट विकेट, तो ये सारी उसकी बैक साइड है। और बैक साइड की से ऐसा कुछ व्यू दिखता है, वाओ। मैं सच्ची शूट से तो पहले मैं खुद देखता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना इतना पसंद है। इसका नाम है एमपी थिएटर, सारे इवेंट्स यहीं पे होते हैं। अगर गर्ल्स भी आती हैं यहाँ पे, जब यूथोपिया होता है तो कई सारे इवेंट होते हैं। ये हमारे असिस्टेंट वार्डन है भैया जी, इनके साथ हमने यहाँ कई क्रिकेट खेला है, बहुत ज़्यादा खेला है, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, तो याद किया हमको। हाँ जी, हाँ जी, मिलते रहना, आते रहना। अरे भैया ज़रूर। तो ये सारा भाई, ये फर्स्ट ईयर में बच्चों को मिलता है सबको। और ये मैस है, यहाँ पे सारे ही खाना खाते हैं। ये भाभा है, ये सेकंड ईयर वालों के लिए। वो बोस है, वो थर्ड ईयर के लिए। और ये है फाइनल ईयर वालों के लिए, रमन। तो यार मेन सबसे इम्पोर्टेंट जगह आ रही, गुप्ता जी की दुकान, वो ये रही। अगर आप हॉस्टलर हो तो आपके फ्रेंड गुप्ता जी ज़रूर होंगे, क्योंकि मेरे तो थे और है भी, आपको दिखाई जाएगा। अब पता नहीं गुप्ता जी हैं क्या नहीं। तो ये रही अंदर जिम भी है, TIT का बहुत अच्छा जिम है, मैंने यहाँ 3 साल ट्रेन किया। मेरा जिम अभी बंद है। और ये रही बार्बर शॉप। तो यार गुप्ता जी तो नहीं है दुकान पे, लेकिन इनकी दुकान पे सब सामान है। ये कैंटीन ही है, बहुत सब सामान मिलता है यहाँ पे। यार ये बैक साइड है, मैं अधिकतर मॉर्निंग में जब मैं फर्स्ट ईयर में था मैं यहीं पे आता था। बॉयज़ और गर्ल्स का सिमिलर है, ऐसे ही व्यू आता है, देखो बहुत अच्छा व्यू है। अब मैं जा रहा हूँ बैक साइड में, जहाँ पे है बास्केटबॉल कोर्ट, अधिकतर चीज़ें बैक साइड में। तो ये बैक साइड थी रमन की, मुझे याद है यहाँ पे अगर विंडो खुली रह जाती थी ना तो बंदर आ जाते थे, सारा सामान इधर उधर। ये बताया जाता है सबसे पुराना हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल, रमन, फिर बाबा, फिर बोस। ये वो अड्डे हैं जहाँ आप सब अपने दोस्तों के साथ बैठोगे, क्योंकि मैं भी बहुत बैठा हूँ। ये लो जी, मस्त है, यही सारे हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हैं DIT में, मतलब बहुत ज़्यादा। क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है, कई चीज़ें हैं। और एक चीज़ मेरी फेवरेट, शाम को आप मैस से चाय ला के यहाँ पे व्यू देखोगे ना तो नज़ारे ही आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा व्यू आता है फायर एग्जिट है जो ग्रीन ग्रीन, इसके टॉप से, इसके टॉप से सबसे ज़्यादा अच्छा वहाँ से आता है, वहाँ से आता है। और इनको वो बात तो बता दो, क्यों जो हॉस्टल रहेंगे बच्चे वो एक एक बात जान लो, पर अब यहाँ वो अभी नहीं बताना, अब तो सेंसर है। जो हॉस्टल रहेंगे ना बॉयज, उनका ये खुफिया रास्ता है यहाँ से कूद के, क्योंकि जब बाहर नहीं जा पाते हैं आपको पता है जाना ही पड़ता है। तो यहाँ से कूद के हम खाई से आते थे नियरली 2-3 किलोमीटर, बड़ा रिस्क का था। आप रहोगे तो कितने रास्ते आपको पता चलेंगे, पर थोड़ी सी टिप दे रहा हूँ, एक यहाँ पे पीछे से, यहाँ से एक यहाँ पे, पर तब भी आ ही जाते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ है ही। तो मैस में यार हमारे 2 फ्लोर हैं, एक तो ऊपर वाला जो है वो प्योर वेज है, और यहाँ पे एग्स भी मिल जाते हैं। और जो जिनके व्रत है ना उनके ग्राउंड फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे सारा खाना वाना बनता है, और हाइजीन बहुत है। मैस का खाना अच्छा ही आ रहा है, बढ़िया ही होता है मैस का खाना। तो बाकी ऊपर ना गेम्स रूम है, वहाँ पे आप सैटरडे संडे खेल सकते हो, स्पोर्ट्स रूम है ना वो, स्पोर्ट्स रूम है। तो चौहान सर है वहाँ पे, अच्छा माहौल है, गेम्स खेलने में तो बहुत ही मज़ा आता है रात को। बाकी यहाँ बैठने की जगह उधर, ये गार्डन है, यार ये सेंट्रल वर्कशॉप है, मतलब जब फर्स्ट ईयर में आओगे ना तो एक सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप का, वो यहाँ पे होगा। देखो क्या मस्त कार है, देखिए जब चल बनने जाए, बम बम बम, नहीं ये नहीं, कुछ बटन बटन होगा, ये लग रहा है एग्जॉस्ट पे एग्जॉस्ट है। तो DIT मोटर स्पोर्ट में भी बहुत अच्छा है, रेस होती है। अरे बट कोई बंटी कार चलाएगा क्या, बग्गी पबजी वाले इसे बग्गी कहते हैं। ये रही हमारी लैब, यहाँ पे सारे वर्कशॉप के काम होते थे। यहाँ का पेट्रोल भाई पता नहीं कहाँ से डलता, मोटर वाली लगता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। फर्स्ट ईयर में हमने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करे थे। हाँ यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिटिंग विटिंग देख रहे हो। तो यार ये रही सिविल वाली बिल्डिंग, यहाँ पे सारी सिविल की क्लास होती हैं, देख रहे हो मौसम
तो मैं बार बार मौसम इसलिए कहूँगा क्योंकि यार मुझे ना बादल देखने बहुत पसंद है, और अगर आप लोग को भी पसंद है तो मस्ट यार आप DIT आओ, व्यू है यहाँ बहुत अच्छा। अब यार ये मैं सोच रहा थोड़ी क्लासेस आपको दिखा दूँ फर्स्ट ईयर में कैसी हैं। हाँ ये क्लास रहेगी, बाकी तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद बाकी तो आपको दिखा दी मैकेनिकल बिल्डिंग भी चली जाएगा। तो मेन क्लासेस ये हैं, अब दिखाता हूँ। तो यार ये रहा अपना फर्स्ट फ्लोर, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरी क्लास यहाँ लगती थी, तो ये रही कई सेक्शन थे, तो मैं वहाँ बैठ के एग्जैक्टली दिखाता हूँ। मैं यहाँ बैठ के ना व्यू देखता था, ये रहा। तो कई बार मुझे मैम ने उठाया, व्यू देखते देखते क्लास देख पड़ता था, तो कई बार मैम ने उठा के मुझे फर्स्ट सीट पे बुक कर दिया। तो DIT में यार एजुकेशन के साथ साथ एक चीज़ है कि टीचर भी बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान रखते हैं। मेरी यहाँ की क्लासें, ये जो एक्स हैं, एक्स ये तब है जब कोविड के बाद आए थे तो एक सीट पे एक ही बच्चा बैठ रहा था, तो तब के हैं ये। फिर हमारा DIT, तो क्लासेस बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद लो जी, तो ऐसी कई सारी क्लासेस हैं। मंटी और मैं, ये हमारी फैकल्टी है, यहाँ पे कई हमारी फर्स्ट फ्लोर तो हमारी क्लासेस होती थी, देख रहे हो सारे ये सब क्लासेस थी, और बाकी इसके जो सेकंड थर्ड फ्लोर थे वहाँ पे हमारी लैब लगती थी। वो मेरे मैथ्स वाले सर है, आपका शीट चेक कर रहे हैं। तो दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक सीढ़ियाँ, ये मेरा फेवरेट है स्लैंट वाला। तो अभी मेरे मैथ्स टीचर मिल गए थे, वो मुझे गुड लक कर रहे थे, तो वही पुरानी बातें बता रहे थे। बहुत सारी मेमोरीज है यार, और टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करना उतना ही बेटर रहता है। विनोद सर है उनका नाम, बहुत अच्छे हैं। ये रे जी मेरा हॉस्टल ये था, मैं यहाँ से डायरेक्ट सीधे आ जाता था, पास पड़ता था। अब कितने लोग देख रहे हो, पहला कमरा था हॉस्टल में भी, सबसे पास। तो कितने लोगों के अब बैग पैक हो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं और कुछ नए आएंगे। जो नए आ रहे हैं वेलकम है, जो पुराने जा रहे हैं उनको भी कुछ नहीं यार, मेमोरीज हैं बहुत सारी, उनका फेयरवेल हो गया। अब बारिश के बाद तो बादल चले गए, व्यू बहुत अच्छा हो गया, तो दिखाता हूँ। ये न्यू बनी है, अब DIT में नर्सिंग भी आ रहा है, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आएगा। ये गार्ड भाई लोग हैं, ये कॉलेज के मालिक की कार है, जो हर बच्चा पढ़ता है उसे कार बहुत पसंद है। ये रे वो फ्लाग, ये इधर से दिख गए मुझे, ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, और इस पे भी बहुत सारे आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदर फोटो आती है। और मैक्सिमम आप DIT में देखोगे, देखनी है फोटो है तो इंस्टाग्राम देख सकते हैं करण श्रीवास्तव का। तो कई सारी मतलब मैक्सिमम फोटो यहीं खींचती हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है देखो। तो ये हमारी लाइब्रेरी, इसका नाम है वेदा। तो यार मैं तो लाइब्रेरी एग्ज़ाम टाइम में आता था या मिड टर्म में, और यहीं आके देखकर बैठता था। ये लैब है, इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं, जब हम मतलब लाइब्रेरी में आते हैं ना तो ID क्रिएट हो जाती है, तो अपनी ID मेंशन करके सैप ID, उसी से चलता है सब। ये भी मेरा एक अड्डा है, यहाँ बैठ के मैंने बहुत पढ़ाई करी मिड टर्म के लिए। मेरे बंटी भाई बुक्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यार लाइब्रेरी में खास बात यह है कि यहाँ पे सारे सेक्शन की सारी बुक्स हैं, और ई बुक्स भी होती हैं, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मैंने DIT की लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। तो यार गाइस सांस पूरी फूल गई है चढ़ते चढ़ते, इजी उतरना है पर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, मजाक कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ईजी है। बंटी भाई फिट आदमी तो फिट है। तो ये रहा था अपना DIT का टूर, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में रेज कर देना, जितने मेरी नॉलेज होगी मैं समाओ कोशिश करूँगा कि क्लियर कर दूँ।
तो एंट्री एग्जिट में हमेशा साइन करके आना जाना पड़ता है।